so in this video we are going to talk about another speaking part one to speaking part two topic that is an item you lost and then found कि कोई भी चीज़ कोई भी product टाप से गुम हो गया हो but बाद में आपको मिल भी गया हो so let's see you should say for this cue card what was lost क्या गुम हुआ था where you lost it और कहाँ गुम हुआ था why it was important for you और ये object आपके लिए क्यों important था हाउ यू फाउंड इट और आपको ये कैसे मिला एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट और आपको कैसा फील हुआ आफ्टर रिसीविंग इट अगेन सो लेट सी दिम्पल आंसर फॉर इट वेल लूजिंग एंड फाइंडिंग प्रेसियस आइटम्स इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ की चीज़ों को जो हमारी कीमती चीज़ें होती हैं उनको खोना और पाना ह्यूमन लाइफ ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑल दो आई हैव लोस्ट अंबर ऑफ आइटम थ्रू आउट माई लाइफ लाइक स्टेशनरी clothes and एंड मैनी मोर कि वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी आइटम्स घूम की हैं जैसे स्टेशनरी वॉचेस, क्लोथ्स बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ आइटम दैट आई लॉस्ट बट लेटर फाउंड बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर पीस ऑफ आइटम के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैंने खो भी दी थी और बाद में मिल भी गई Lost की प्लेस पे आप misplaced भी लिख सकते हो द आइटम इज़ नन अदर देन दिल्वर रिंग तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिल्वर रिंग की विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर ऑन माई लास्ट बर्थडे जो कि मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट की थी मेरे लास्ट बर्थडे पर जैसे मैंने यहाँ पर सिल्वर रिंग लिखा है आप यहाँ पर कुछ भी मैंशन कर सकते हो लाइक स्मार्ट वॉच बोल सकते हो ज अफ इन्फिनिटी और इसके ऊपर एक यूनिक डिजाइन बना हुआ है इन्फिनिटी का इन्फिनिटी का मतलब पता है ना क्या होता है कि वो एट सो एक्चुअली इट है गो ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन टाइम एक्चुअली ये एक साल पहले की बात है मेरे एग्जामिनेशन टाइम में एट दैट टाइम नो वन वॉज़ अलाउड टू वियर अ पीस ऑफ ज्वेलरी इन द एग्जाम्स टू अवॉइड चीटिंग उस टाइम कोई भी अलाउड नहीं था किसी को अलाउड नहीं था कि वो किसी भी ज्वेलरी का आइटम पहन के एग्जाम हॉल में जा सके ताकि चीटिंग ना हो सके अगर आप ऊपर स्मार्ट वॉच लिखते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नो वन वॉज़ अलाउड टू टेक एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द एग्ज़ाम्स टू अवॉइड चीटिंग एंड इना हरी आई रिमूव डिट और जल्दी जल्दी में ज़िफ़ी बोल सकते हो हरी को इना ज़िफ़ी आई रिमूव डिट मैंने इसको हटाया मतलब निकाल दिया बुट इट इन माई बैक पैक मेरे बैग में डाल दिया एंड कैप्ट बैक आउटसाइड द एग्जामिनेशन होल और एग्जामिनेशन होल के बाहर रख दिया व्हेन आई केम बैक आई ट्राइड टू फाइंड इट बट इट वाज नोवेयर जब मैं वापस आई तो मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की बट वो मेरी मेरे को कहीं पे भी नहीं मिली इट वाज रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी बिकॉज़ इट एक्टेड एज अ लकी चार्म फॉर मी क्योंकि वो मेरे लिए एक लकी चार्म का काम करती थी टू फाइंड दिस ऑर्नामेंट कि इसको ढूंढने के लिए आई पुट अ नोटिस बोर्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ माई स्कूल कि मैंने एक जो मेरे स्कूल का नोटिस बोर्ड था ना उसके ऊपर एक नोटिस डाल दिया यहाँ पे ना जैसे आई पुट अ नोटिस बोर्ड आई पुट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ माई स्कूल फीचरिंग इट्स फीचर्स के फीचर्स बता दिए एक पिक्चर भी दे दी मैंने मेरे साथ उसकी एंड आई फेल्ट द लेफ्ट द मेन कॉन्टैक्ट नंबर एंड ई मेल एड्रेस ऑन द नोटिस बोर्ड और साथ में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ई मेल अकाउंट नंबर भी वहां पर छोड़ दिया विद द ऑफर ऑफ अ कैश प्राइज और साथ में ये भी ऑफर दिया कि जो भी इसको को ढूंढ के देगा उसको कैश प्राइज मिलेगा आफ्टर वीक और एक हफ्ते के बाद क्या हुआ a call from my मेरे को मेरे आई गोट अ कॉल फ्रॉम माई स्कूल टीचर मेरी एक स्कूल टीचर की कॉल आई एंड शी इनफॉर्म मी अबाउट द नेम तो उन्होंने मेरे को रिंग के बारे में बताया शी टोल्ड मी दैट शी फाउंड इट आउटसाइड कि उनको वो बाहर मिली थी सो शी कैप्टेड जहाँ पे आई लिखा हुआ है ना शी आएगा सो शी कैप्टेड फॉर गिविंग इट बैक तो उन्होंने ये वापस रखने के लिए बिकॉज शी थॉट इट वॉज तो उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी की कीमती होगी precious होगी प्रीशियस सो ऑन द नेक्स्ट डे आई वेंट टू माई स्कूल तो अगले दिन मैं अपने स्कूल गई रिकलेक्टेड इट फ्रॉम माई टीचर और मेरी टीचर से मैंने कलेक्ट कर ली आई थैंक हर अलॉट मैंने उनको बहुत ज्यादा थैंक्स बोला आई ट्राई टू पे द प्राइज फॉर प्राइस ऑफ फाइंडिंग यहाँ पे ना ये गलत मैंशन हुआ है आई ट्राई टू पे द प्राइस ऑफ द रिंग बट शी डिनाइड बट उन्होंने मना कर दिया ऑल इन ऑल दिस वॉज द टाइम वैन आई लोज समथिंग रियली प्रेसियस बट फाउंड इट लेटर तो ये वाला टाइम था कि जब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट खोया और साल बाद में मिल भी गया सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब